हे ब्रोस, तो आज मैं फिश बना रहा था, तो आप ये मत बोलना कि हमें क्या करना। भाई करना है, देखो ऐसा अगर तो क्यों करना है ऐसा। ना आप लोग भी मेरा रेसिपी देखो कि मैं कैसे बनाता हूँ। ये मछली हो रहा है फ्राई अपना, मैंने काट रखा है लहसुन अदरक मिर्चा टमाटर धनिया, ये मुंडी लाया था, ये फोरन, जीरा, सरसों और मेथी का, मुझे पसंद है ये चीज़। रोटी जी क्या हाल है? हम लोग सबसे पहले मसाला तैयार, सरसों तो सबसे जरूरी है, दुनिया जानती है। में जो पिसा हुआ मसाला है वो मैंने मतलब खुद मिक्स किया है, बाजार से लाया था, मिक्सी में पीस के मिक्स करके अलग रखा हुआ है मैंने इसमें मछली के लिए। तो मैं ये मिक्स करूँगा, इसमें हल्दी भी मिक्स है, वैसे मछली भी हो रहा है अपना लास्ट में। डालेंगे अच्छे से, मतलब डाल दिया हमने पानी। अब इसको करेंगे सही है। अरे अपना मसाला तैयार है, ऐसे ये रही हमारी शीश मसाला, कुछ करना ही नहीं, मिक्सी में डाला, मसाला हो गया तैयार। फ्राई हो चुकी है अपनी, इसको निकाल लेते हैं। आ जाओ भाग रहे हो, ये हो गया अपना फिश फ्राई, निकाल लेते हैं। डालेंगे जीरा सरसों मेथी, तीनों मिक्स करके रखी है। सरसों ये तीनों चीज़ें मुझे आना चाहिए, तो मैं डालता हूँ, क्यों का पता नहीं, मैं तीनों चीज़ें डालता हूँ। आप भी ट्राई कीजिए, अच्छा लगेगा। और उठ जाने के बाद टमाटर डाल दे रहा हूँ, हल्का सा धनिया उसमें साथ में चला गया है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा भून के थोड़ा गला दिया टमाटर, ये हमारा पहले मैं टमाटर डाल दिया, उसके बाद अब डाल मसाला इसमें, मसाला डालते हैं। सरसों के साथ जो पिसा हुआ है, क्या कलर आ रहा है, जबरदस्त। ये तो अभी देखने में, ये तो अभी बन ही रहा है, आईने तैयार होगा, जबरदस्त लगेगा। तो क्या टेस्ट होता है, मसाले का रेसिपी है यही, इस मसाले का। इस तरह के से आप मछली बनाइए कभी, मतलब खराब बन ही नहीं सकता, अच्छा ही बनेगा। हाँ बस एक चीज़ इसमें होना चाहिए, नमक कम नहीं होना चाहिए, नमक कम हुआ टेस्ट गया, सही होना चाहिए। और मसाला बिल्कुल बढ़िया से फ्राई हो जाना चाहिए, तेल छूट जाना चाहिए मसाले से, तब होगा
मसाला जाकर तैयार। थोड़ा पानी डालते हैं, इसको धो के फिर से डाल देते हैं मसाले के अंदर। बर्बाद होगा मसाला, इसको भी डाल देते हैं। और अब करेंगे इसको मलाएंगे और डाल करके पूरा फ्राई करेंगे इसको। तेल भून चुका है दोस्तों, मसाला तैयार हो चुका है, भून चुका है, बिल्कुल तैयार हो चुका है। थोड़ा सा और कर लेते हैं, उसके बाद पानी डालेंगे इसमें। यहाँ पे मैं बाएं हाथ से क्यों चला रहा हूँ वीडियो, यहाँ पे मैंने उल्टा शूट कर लिया था तो मैंने रोटेट किया है वीडियो, ये तो बाएं हाथ से लग रहा है मैं चला रहा हूँ दाएं हाथ से। थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा पानी डाल के चला लिया। गया है जितना ज़्यादा मसाला भुनेगा इसका उतना ज़्यादा टेस्ट आएगा। सारा टेस्ट इसका मसाला के भुनाई में है, जितना बढ़िया से भुनेगा मसाला उतना ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। मसाला अच्छे से भुन जाना चाहिए। तो ये भुन गया है हमारा मसाला, रेड हो चुका है पूरा। थोड़ा सा नमक और डाल देते हैं, मछली में भी टेस्ट आ जाएगा। नमक यहाँ पे डाला जा रहा है, मछली को फ्राई हुआ था ही नमक डालकर, थोड़ा सा नमक उस पर हल्दी लगाकर मछली को फ्राई कर दिया था हमने, और कुछ नहीं लगाया था, बस मछली और हल्दी। अब ये गया पानी। पानी दोस्तों, मुझे मछली तो खैर चावल के साथ ही सबसे ज़्यादा मज़ेदार लगता है, बाकी अगर रोटी के साथ खाना हो तो आप लोग देख लीजिएगा पानी कितना डालना है। ये मैंने चावल के लिए बनाया है तो पानी थोड़ा ज़्यादा रखा है। पानी ग्रेवी थोड़ी पतली होती है तो वो मज़ा सा आ जाता है चावल के साथ खाने में। रोटी के साथ खाना है थोड़ी गाढ़ी ग्रेवी रखिएगा, पानी अपने हिसाब से डालिएगा। ये अपना ग्रेवी खोल गया है, उबल गया, तो इसमें थोड़ा सा गरम मसाला मैंने खुद ही पीसी हुई है घर पर, सारी चीज़ें हैं बाज़ार से, तो ये डाल दिया। ग्रेवी भी हो गई है पर तो गाढ़ी, देखिए ज़्यादा पतली नहीं है, गाढ़ी भी नहीं है। चावल के साथ इतना ग्रेवी मज़ा आएगा। तो ये हो गया ग्रेवी तैयार, मसाला डला गया। अब हम लोग पूरा मछली इसमें डाल देते हैं। ये हो गया अपना इस चला गया करी में। अब इसमें थोड़ा धनिया जो बचा है इसको डाल देते हैं। धनिया ज़रूरी है, धनिया भी ज़रूरी है, धनिया टेस्ट लाता है इसमें। मछली में धनिया ज़रूर डालिएगा लास्ट में। टमाटर तो पहले ही डालना ही था। ये रहा अपना मछली तैयार है। ये देखिए दोस्तों, ये ग्रेवी देखिए, ग्रेवी बहुत ज़बरदस्त था, मैंने खाया बहुत ज़बरदस्त।